दोस्तों सबसे पहले तो मुंबई की सड़कों पर धूल खाती इस जबरदस्त कार को देखिए। इस कार की फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हम सभी को अट्रैक्ट करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कबाड़ बन चुकी इस कार की कीमत एक समय पर 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी। इस कार को दिलीप छाबड़िया ने बनाया था, जो भारत के टॉप कार डिजाइनर कहे जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी लाइफ जेल के सलाखों के पीछे काट रहे हैं। अगर आपका जन्म लेट 90s में हुआ था तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बचपन में ये आपकी ड्रीम कार जरूर रही होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टार्जन की, जिसे हमने साल 2004 में आई मूवी टार्जन द वंडर कार में देखा था। टार्जन दिलीप छाबड़िया का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके जरिए वो इंडिया की अपनी सुपर कार को लॉन्च करने का सपना देख रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि टार्जन द वंडर कार रियल लाइफ में कोई वंडर नहीं कर सकी, और करोड़ों रुपए का वो कौन सा स्कैम था जिसने इंडियन कार मॉडिफिकेशन के किंग कहे जाने वाले दिलीप छाबड़िया को जेल तक पहुँचा दिया। चलिए सब कुछ थोड़ी डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 1983 से, जब दिलीप छाबड़िया के हाथ एक कार मैगजीन लगती है। इसमें छपी एक एडवर्टीजमेंट को देखकर वो कार डिजाइनर बनने का फैसला ले लेते हैं। उसी साल वो डिजाइनिंग की डिग्री लेने के लिए कैलिफोर्निया के आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन चले जाते हैं, और अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद दिलीप कुछ समय तक जनरल मोटर्स में काम करते हैं, और फिर भारत आकर अपनी खुद की कंपनी DC डिजाइन्स की शुरुआत कर देते हैं। दिलीप छाबड़िया अपनी शानदार डिजाइनिंग स्किल्स से कई एग्जिस्टिंग कार्स को मॉडिफाई करते हैं और इंडियन कार मार्केट में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। इनकी स्किल्स और पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2003 में ब्रिटिश लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑस्टन मार्टिन ने भी अपनी विंटेज कार का एक प्रोटोटाइप इन्हीं से ही डिजाइन करवाया था, जिसे कि उसी साल हुए डेट्रॉइट मोटर शो में भी शोकेस किया गया था। एस्टन मार्टिन की ये कार काफी पॉपुलर हुई थी, जो कि दिलीप छाबड़िया की स्किल्स पर मोहर लगाती है। कार मॉडिफिकेशंस के बाद साल 2004 में दिलीप छाबड़िया कार मैन्युफैक्चरिंग में उतरते हैं और भारत की पहली सुपर कार लॉन्च करने का सपना देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम था टार्जन, जिसको पॉपुलर बनाने के लिए दिलीप छाबड़िया ने पूरी मूवी ही बना डाली थी। कहने को तो ये यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, पर टार्जन द वंडर कार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसको 14 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था, और मूवी को ऑडियंस के बीच पॉपुलर बनाने के लिए अजय देवगन जैसे बड़े स्टार को भी जोड़ा गया था, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी महज 6.2 करोड़ की ही कमाई कर पाई। हालांकि जब टार्जन द वंडर कार को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया, तब इसे जबरदस्त व्यूअरशिप मिली, और आज भी हम सभी इसे बचपन की एक खूबसूरत मेमोरी के तौर पर याद करते हैं। पर दोस्तों यही बात ही दिलीप छाबड़िया के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बैकफायर कर गई, क्योंकि इसको पसंद करने वाली ऑडियंस एडल्ट नहीं बल्कि बच्चे थे, जो कि जाहिर सी बात है कि इस कार को नहीं खरीद सकते थे। हालांकि कुछ एडल्ट्स इस कार को जरूर खरीदना चाहते थे, पर जब इसे लॉन्च किया गया तब इसकी प्राइस सुनकर उन्होंने भी अपना मन बदल लिया। दिलीप छाबड़िया को लगता था कि टार्जन की इतनी हाइप बनने के बाद हजारों लोग इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहेंगे, और यही सोचते हुए उन्होंने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रख दी। टार्जन को भारत की पहली सुपरकार के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा था, पर मजे की बात तो ये थी कि ये कार 2002 में लॉन्च हुई DC इन्फेडिल का मॉडिफिकेशन मात्र थी, जिसे कि दिलीप छाबड़िया ने ही डिजाइन किया था। और हाँ, क्या आपको पता है DC इन्फेडिल भी ओरिजिनल कार नहीं थी, बल्कि ये टोयोटा MR2 की एक मॉडिफाइड वर्जन थी। आसान शब्दों में कहूँ तो दिलीप छाबड़िया एक फेक हाइप बनाकर मॉडिफाइड कार को ओरिजिनल बता रहे थे और इसे सुपर हाई मार्जिन पर बेचना चाहते थे। 2 करोड़ की कीमत उस टाइम की टॉप सुपर कार से भी ज्यादा थी, और टार्जन इस कीमत को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती थी। नतीजा ये हुआ कि लॉन्च के काफी समय बाद तक उनकी एक भी कार नहीं बिकी, जिसके बाद से उन्हें इसे 80% का डिस्काउंट देकर 55 लाख में लिस्ट करना पड़ गया। मगर इतने हैवी डिस्काउंट के बावजूद वो सिर्फ एक कार ही बेच पाए, और वो एक कार भी पिछले 20 सालों में 6 ऑनर्स बदल चुकी है। आखिरकार इसके 6th ऑनर ने इसे आगे बेचने की बजाय मुंबई की सड़कों पर धूल खाने के लिए छोड़ दिया, और इंडिया की पहली सुपरकार का सपना देख रही टार्जन आज गुमनाम पड़ी हुई है। अब टार्जन द वंडर कार टेलीविजन पर तो सुपरहिट साबित हुई, पर इस मूवी में भी एक बड़ा स्कैम सामने आया। एक्चुअली इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट 1983 में आई हॉलीवुड मूवी क्रिस्टीन की कॉपी थी, और इसे बस थोड़ा बहुत बॉलीवुड तड़का डालकर रिलीज कर दिया गया था। टार्जन के कई सारे सीन्स तो 1971 की मूवी ड्यूल से भी काफी ज्यादा मैच करते थे, और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से दिलीप छाबड़िया और टार्जन को काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसका सीधा असर टार्जन की सेल पर देखने को मिला। हालांकि इस निगेटिव पब्लिसिटी ने भी दिलीप छाबड़िया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दिए, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे अपनी कार और वैनिटी वैन को मॉडिफाई कराने के लिए कॉन्टेक्ट करने लगे। DC डिजाइन अब भारत में कार मॉडिफिकेशन के लिए एक जाना माना नाम बन गया, और इन्होंने कई सारे बड़े लोगों के साथ भी काम किया। एग्जाम्पल के लिए एक टाइम पर शाहरुख खान की वैनिटी वैन भी दिलीप छाबड़िया ने ही डिजाइन की थी।
और दोस्तों जाने माने डायरेक्टर्स अपनी मूवीज के लिए यूनिक कार डिजाइन को लेकर भी इन्हीं के पास आ रहे थे। अब दोस्तों कार डिजाइन करना और उसको मैन्युफैक्चर करना दो अलग अलग चीजें होती हैं, और जरूरी नहीं है कि किसी एक इंसान के अंदर ही इन दोनों चीजों में एक्सपर्टाइज मौजूद हो। पर दोस्तों दिलीप छाबड़िया इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, और दोस्तों डीसी अवंती उनकी इसी जिद का बाय प्रोडक्ट थी। इस कार के कॉन्सेप्ट को 2012 में पब्लिक किया गया और डीसी अवंती को भारत की पहली स्पोर्ट्स कार के तौर पर प्रेजेंट किया गया। न्यू दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान खुद अमिताभ बच्चन ने ही इस कार को अनवील किया था, और अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए दिलीप छाबड़िया ने इसकी कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए रखी थी, जो कि एक स्पोर्ट्स कार के लिए काफी अट्रैक्टिव प्राइस थी। डीसी अवंती ने इंडियन कार मार्केट में सनसनी मचा दी थी, और इस कार को मेड इन इंडिया के तौर पर प्रेजेंट करके डीसी डिजाइंस ने लोगों के बीच इसको लेकर काफी देशभक्ति जगा दी। यहां तक कि भारत के लोग इसे लैम्बोर्गिनी और फरारी से कंपेयर करने लगे। हालांकि 2015 में जब इसे लॉन्च किया गया तो लोगों का ये कंपैरिजन बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि डीसी अवंती की डिजाइन लैम्बोर्गिनी और फरारी से ही कॉपीड थी। इसमें रेनॉल्ट का इंजन लगा हुआ था और फ्यूल टैंक भी फॉरेन कंपनी से ही खरीदा गया था। आसान शब्दों में कहूँ तो इस कार के नाम के अलावा मेड इन इंडिया जैसा कुछ भी नहीं था। डीसी अवंती 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड 7.5 सेकंड्स में अचीव करती थी, जो कि एक स्पोर्ट्स कार के लिए काफी नॉर्मल सी स्पीड थी। और अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इस कार के अंदर बिल्ड और क्वालिटी दोनों की ही कमी थी। इसकी पूरी बॉडी को फाइबर से बनाया गया था, और ये इतनी नाजुक थी कि इसको सेफ्टी रेटिंग देना भी मजाक सा लगता है। और दोस्तों पता है, अगर ये आज लॉन्च होती ना, तो शायद इसे सेफ्टी रीजंस की वजह से मार्केट में उतरने ही नहीं दिया जाता। अब दोस्तों हम इंडियन सिर्फ उसी कार को लेना पसंद करते हैं जिसके शोरूम और सर्विस सेंटर्स हमारी रीच में होते हैं, क्योंकि ये कार हमारे लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन डीसी अवंती के पास ना तो कोई शोरूम्स थे और ना ही कोई सर्विस सेंटर नेटवर्क। ऊपर से इसे डेली यूजर्स को ध्यान में रखकर तो बनाया ही नहीं गया था। इसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी, और सामान रखने के लिए तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट तक नहीं दिया गया था। डीसी अवंती जिन बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आई थी, वो बुरी तरह से फेल हो चुकी थी, और यही कारण है कि सिर्फ 127 लोगों ने इस कार को खरीदा, और टार्जन की तरह ये भी एक बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। हालांकि दोस्तों डीसी अवंती की कहानी सिर्फ फेलियर तक खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने दिलीप छाबड़िया को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। इस कार की न के बराबर सेल्स और इसके मैन्युफैक्चरिंग में हुए बेशुमार पैसों को रिकवर करने के लिए दिलीप छाबड़िया ने एक ऐसे स्कैम को अंजाम दिया जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब ये कहानी तब शुरू हुई जब तमिलनाडु में रहने वाले एक आदमी की डीसी अवंती कार ट्रैफिक रूल तोड़ने के इल्जाम में पुलिस की भीड़ चढ़ गई। जब पुलिस ने इस कार का चालान बनाने के लिए इसको चेक किया, तो उन्हें पता चला कि सेम इंजन और चेसिस नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है। इस कार के ऑनर ने तो डीसी अवंती तमिलनाडु में ही खरीदी थी, और हरियाणा तो वो कभी गया भी नहीं था। और इस इंसिडेंट को लेकर उस इंसान और तमिलनाडु पुलिस ने दिलीप छाबड़िया से कॉन्टेक्ट करने की ट्राई की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद से उन्होंने मुंबई पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। अब जब मुंबई पुलिस ने इस पूरी घटना की गहराई से जांच की, तो उन्हें पता चला कि ऐसा सिर्फ 1-2 कार में नहीं, बल्कि डीसी अवंती की 90 से ज्यादा कार्स में किया गया है। दिलीप छाबड़िया की कंपनी ने सेम चेसिस नंबर और इंजन नंबर को रजिस्टर करके अलग अलग NBFC से कार लोन उठाए थे, और फिर उन कार्स को थर्ड पार्टी में बेच दिया। ऐसी एक कार के लिए 42 लाख रुपए का लोन उठाया गया था, जिसे कि कभी भी बैंक को वापस किया ही नहीं गया। अब आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हर कार का अपना एक यूनिक चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है, जो कि उसके ओनर की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कार लोन लेने के दौरान बैंक इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर से जरूर लेते हैं। इस फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम देकर दिलीप छाबड़िया ने न सिर्फ डीसी अवंती की सेल्स को गलत तरीके से बढ़ाया, बल्कि भारत सरकार और हमारे बैंक्स को भी करोड़ों का चूना लगा दिया। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस स्कैम से भारत सरकार को करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और बैंक से भी 10 करोड़ से ज्यादा का लोन रिलीज किया गया, जिसे आज तक रिकवर नहीं किया जा सका है। इन एलिगेशंस के बीच दिसंबर 2020 में दिलीप छाबड़िया को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि 2021 में उन्हें कुछ समय के लिए बेल तो मिली थी, पर फिलहाल वो जेल में ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दिलीप छाबड़िया का आरोप है कि ये सब उनके एक्स पार्टनर और डीसी डिजाइंस के को इन्वेस्टर किरण मूलचंद का किया धरा है, जो कि कंपनी में 52% का शेयर रखते हैं। उनका कहना है कि किरण मूलचंद ने स्पोर्ट्स कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी में 150 करोड़ की फंडिंग लाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकरने लगे। साथ ही डुप्लीकेट चेसिस नंबर और इंजन नंबर का ये पूरा स्कैम भी किरण मूलचंद और डीसी डिजाइन के CFO अफाक सईद का करा धरा है, जिसके लिए दिलीप छाबड़िया को फंसाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी दिलीप छाबड़िया के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी,
कपिल के अकॉर्डिंग उन्होंने डीसी डिजाइन को अपने लिए एक शानदार वैनिटी वैन का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए उन्हें 5.7 करोड़ की पेमेंट भी की गई थी। लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई अपडेट नहीं दी गई और उनके पैसे भी वापस नहीं किए जा रहे हैं। और दोस्तों, इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच 2020 में डीसी अवंती को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और आज ये सुपरकार इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अब दिलीप छाबड़िया की ये स्कैम कितनी गहरी जाती है और इसका अंजाम क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पर्सनली डीसी अवंती आपको कैसी लगती है और टार्जन द वंडर कार मूवी आपने देखी है कि नहीं, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।